दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई काम नहीं जो रुक सके। पैरों को हाथ बनाकर रख दिया इतिहास, अब कार चलाकर घूमती है ये लड़की। जिंदगी में कमी से हारों को दे दिया मैसेज, अगर चाहो तो सब कुछ मिल जाता है। नारी शक्ति की तुलना इसलिए किसी से नहीं की जाती, एक माँ की ममता को जैसे तोला नहीं जा सकता, वैसे ही एक नारी की ताकत का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये लड़की। दोनों हाथ गवा चुकी इस लड़की के भीतर हौसले की चट्टान अभी भी खड़ी है, क्योंकि इसने ठान रखा था कि वो हार नहीं मानेगी। जब तक कि आखिरी सांस चलते रहेगी, हाथ नहीं है तो पैरों से हाथ बनाया, और जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पैरों से दो दो हाथ करने लगी। आज सोशल मीडिया पर इस लड़की के बारे में बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं। हम अपनी रिपोर्ट में यही बताएंगे कि कैसे इस लड़की ने हाथ गवाए लेकिन फिर भी हौसले की पहचान किसी को नहीं मिली। इस बात की भनक किसी को नहीं मिली कि इतनी हिम्मत कहां से लाती है। इस लड़की के पास एक हाथ नहीं है बल्कि दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी को ऐसे जी रही है जैसे दोनों हाथ अभी भी है। दोनों हाथ को गंवाने के बाद एक पल के लिए इस लड़की ने अपने हौसले को डगमग नहीं होने दिया। इसने ये भी नहीं सोचा दोनों हाथ नहीं है तो कैसे जिंदा रहेगी, कैसे खाएगी, हर दिन का जो काम होता है वो कैसे होगा। अपने भीतर की इस खामियों को इसने हथियार बनाया और साबित कर दिया कि हाथ भले ही नहीं है लेकिन हम आज भी वो काम कर सकते हैं जो काम हाथ वाले कर लेते हैं। तो अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि बिना हाथों के कार चलाने वाली ये लड़की कौन है, और ऐसा इसके साथ क्या हादसा हुआ कि दोनों हाथ गंवाने पड़े। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान के लिए करना असंभव है। अगर उसने ठान लिया तो उसे करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वो हर संभव कर सकता है। ये लाइनें भी इस खबर की गवाह है। ये एक ऐसा मामला है जो दूसरे लोगों के लिए रास्ता बना सकता है, जो अपनी जिंदगी में किसी कमी को लेकर नाराज हो जाते हैं और टूट जाते हैं, उनको इस लड़की से सीखना चाहिए। पूरा मामला केरल का है। केरल में बिना हाथों की पैदा हुई लड़की कार चलाने लगी। लड़की का नाम जिलू मॉल थॉमस है और उनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। वो एक फ्रीलांस डिजाइनर है। जब वो पैदा हुई थी तो उनके हाथ नहीं थे। इसे लेकर घर के लोगों को जानकर बहुत दुख हुआ और सभी इस बात की चिंता करने लगे कैसे इनका जीवन बीतेगा, लेकिन लड़की ने सभी को गलत साबित कर दिया। हालांकि जिलू मॉल थॉमस ने एक ऐसा कमाल कर दिया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। थॉमस को चार पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। सपना था वो पैरों का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाए। लाइसेंस हासिल करने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पहले तो कुछ लोग इस पर हंसते रहे, लेकिन आज हंसने वालों का मुंह बंद हो गया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए 6 साल तक बहुत मेहनत की। महिला को ड्राइविंग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सौंपा है। लड़की ने कहा कि वो बहुत खुश है और उत्साहित है। इस रास्ते में पहली बाधा तब दूर हुई थी जब एक ड्राइविंग स्कूल में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। वहीं इस पर केरल के मोटर व्हीकल विभाग ने कहा वो एशिया की पहली ऐसी महिला है जिसे बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है। वो कार अपने पैरों के इस्तेमाल और वॉइस कमांड सिस्टम के जरिए चलाती है।